मंडी की सब जेल में सुबह एक कैदी मृत पाया गया, जिसके बाद जेल विभाग पर कई सवालिया निशान लगने शुरू हो गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार सुबह जब जेल प्रशासन ने चर्च तस्करी के मामले में अंडर ट्रायल चल रहे कैदी में प्रतिक्रिया नहीं पाई तो जेल में तैनात फार्मासिस्ट को बुलाया गया। फार्मासिस्ट ने हालत को देखते हुए कैदी धर्मपाल को जोनल अस्पताल ले जाने को कहा, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने के बाद धर्मपाल के परिजन मंडी पहुंचे और इस बारे में जेल अधीक्षक डॉक्टर मदन कुमार से मिले। धर्मपाल के परिजनों ने जेल पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि मृतक धर्मपाल बीते 2 वर्षों से बीमार चल रहा था, वह उसे इस दौरान दौरा भी पड़ता था। धर्मपाल की बहन पार्वती ने मीडिया के सामने खुलासा करते हुए कहा कि जब जोगिंदर नगर में धर्मपाल को हिरासत में लिया गया था तब भी उसकी तबीयत खराब थी, उसे थाना में ही उल्टी हुई व दौरा भी पड़ा, लेकिन पुलिस ने इस बात पर गौर नहीं किया और कहा कि ये तो सब बचने के लिए बहाने कर रहा है। उसके बाद धर्मपाल को अस्पताल लाया गया, जहां पर डॉक्टर ने उसे इलाज करवाने की सलाह दी। धर्मपाल के परिजन भी पुलिस से उसके इलाज की गुहार लगाते रहे, लेकिन पुलिस ने उसका इलाज न करवाकर उसे जेल में ये कहकर डाल दिया कि वहां पर भी अस्पताल की सुविधा मिलती है। परिजनों ने आरोप लगाते हुए कहा कि धर्मपाल की मौत इलाज के अभाव में हुई, वो मांग उठाई है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही अमल में लाई जाए। हाँ, तबीयत खराब हुई, फिर उल्टियाँ हुई, उल्टी जी हुई, फिर जैसे चक्कर आ गया, अटैक पे गया थी, अटैक जी है पैता, मैं मांस मूस लागे कर दी थी, दिन जो टोचन दीता करने, टोचन दीता करने, तीन बोले थी घर नहीं हॉस्पिटल नहीं, तुम ऐसे कोई नहीं पकड़ो, ये ड्रामा कर रहा है। फिरते थे भी ऐसे बोले चलो, फिरते से दो दूर पैक ने, फिरते तीन उल्टी भी मारी, फिर ऐसे साफ सूफ किया, फिर हॉस्पिटल ले गए, हॉस्पिटल नहीं था, मेडिकल कराया, मेडिकल करा के दवाइयां दी, फिर डॉक्टर जेड सिमले डॉक्टर जोगिंदर नगर आया, जोगिंदर तीन बोला जी भाई ऐसी हो तो सही रैफल करो, सीधा रैफल किया तेने भाई, ये ठीक ना जेल रखना ना कुछ रखना, सीधा ऐसी हो हॉस्पिटल में ले जाओ, और इनका साथ घर का आदमी रहेगा, एक पुलिस रहेगी साथ में, तीन कुछ नहीं किया, सीधा तीन जेल आई तैयारियां। जेल में कोई दिक्कत थी कि नहीं? नहीं थी, इतना तो बोला है कि बीमार थे और इलाज नहीं मिला। फिर हमने बोला उनको भाई, हमने दवाई दी उनको यूज करो, फिर ने बोला नहीं जी दवाई कुछ भी नहीं करनी यूज, के भाई हमारे पास हॉस्पिटल है, इतना बताया। वहीं जब इस बारे में मंडी सब जेल के अधीक्षक डॉक्टर मदन कुमार से बात की गई तो उन्होंने बताया कि इस घटना के बारे में जिला एवं सत्र न्यायाधीश मंडी को अवगत करवा दिया गया है, वो इस बारे में मानवाधिकार आयोग को भी सूचित किया गया है। उन्होंने बताया कि इस घटना की न्यायिक जांच करवाई जाएगी और अगर किसी प्रकार की लापरवाही जेल प्रबंधन के द्वारा पाई जाती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि जज की उपस्थिति में सबका पोस्टमार्टम करवाया जाएगा और इसकी बाकायदा वीडियोग्राफी भी करवाई जाएगी। एक अंडर ट्रायल कैदी था जो नारकोटिक्स के केस में यहाँ पे अंडर ट्रायल था, तो कल शाम को वो कैदी वहाँ पे जो हमारी प्रारंभिक इसमें बातचीत में पता चला है डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल से बात करके कि वो वहाँ पे रात को सोया और जब सुबह 5:15-20 मिनट पे जब वो उसमें जो सोया हुआ था कि बिल्कुल उसमें हिलचुल नहीं दिख रही थी, नहीं लगी कि वो नॉर्मल नहीं लग रहा था, तो उन्होंने सोचा कि शायद ये बीमार होगा या कोई इसको और प्रॉब्लम तो नहीं है, तो जैसे इसको कोशिश की तो वो उठने की स्थिति में नहीं था, तो जैसे ही पता लगा तो हमारे पास 5:20 पे जो है वो जेल में हमारे पास एक फार्मासिस्ट होते हैं तैनात, तो उनको इमीडिएटली बुलाया गया, तो उन्होंने थोड़ा चेक किया तो उनको कुछ डाउट लगा कि इमीडिएटली उसको हॉस्पिटल ले जाना है क्योंकि हो सकता है उसमें कोई और सीरियस मैटर हो, तो बिल्कुल उसको इमीडिएटली हॉस्पिटल ले गए, तो फिर हॉस्पिटल में जो डॉक्टर थे वहां पर जिन्होंने अटेंड किया उन्होंने उसको बोला कि ये जिंदा नहीं है, इसकी डेथ हो चुकी है, तो फिर वो अभी वो हॉस्पिटल में है और उसमें आदरणीय हमारे जो सेशन जज महोदय हैं उनको जो है इंटीमेशन इसकी दे दी गई है और इसमें वो जल्द ही किसी मैजिस्ट्रेट के जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर होने वाले हैं या हो गए होंगे अभी तक, तो वो फिर उनकी निगरानी में जो आगे सारी पोस्टमार्टम वगैरह किया जाएगा और जैसा कि माननीय ह्यूमन राइट्स कमीशन के निर्देश हैं उनको भी सूचित कर दिया गया है और उसकी जो सारे जो प्रोसेस की जो ह्यूमन राइट्स कमीशन की या जो और हमारे जेल मैनुअल की जो सारी गाइडलाइंस हैं उसको फॉलो किया जा रहा है और इसकी जो पोस्टमार्टम है उसकी वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी और अगर किसी भी प्रकार की इसमें कोई ऐसी गलती किसी की लगी इसमें या कोई ऐसा अंदेशा हुआ तो उसकी जांच करके जो है बिल्कुल कड़ी कार्रवाई इसमें की जाएगी। ठीक है, आज सुबह एक टेलीफोनिक सूचना पुलिस स्टेशन सदर को मिली थी कि एक व्यक्ति जिसका नाम धर्मपाल है और वो जिटिंगरी पदर का रहने वाला है,
जिसको कुछ समय पहले पुलिस द्वारा एक एनडीपीएस के मुकदमे जोगिंदरनगर पुलिस स्टेशन में एक एनडीपीएस के मुकदमे में पकड़ा गया था और पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद 31 अक्टूबर को वो न्यायिक हिरासत में माननीय न्यायालय द्वारा भेजा गया था। तो आज सुबह अचानक उसकी मृत्यु हो गई है और उसकी जो सूचना है वो थाना प्रभारी सदर को दी गई है जेल विभाग द्वारा और हॉस्पिटल के माध्यम से। लेकिन क्योंकि ये जो व्यक्ति है इसकी मौत न्यायिक हिरासत के दौरान हुई है, इसलिए इसमें 176 सीआरपीसी के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जिसमें न्यायिक जांच के लिए हमने ऑलरेडी जिला एवं सत्र न्यायाधीश मंडी महोदय को आवेदन कर दिया है और इसमें कानूनी प्रक्रिया जो है वो अमल में लाई जा रही है।